हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वुमन इंस्टीट्यूट में। आज की जो वीडियो है ये फर्स्ट क्लासिक केमिस्ट्री की वीडियो है और ये वीडियो आपकी लेसन वन जो आपका चल रहा था उसकी ये पांचवी वीडियो है। इससे पहले हमने चार वीडियो अपलोड कर दी थी तो ये आपकी पांचवी वीडियो है। और इस वीडियो में आज हम करा रहे हैं ठोसों में अपूर्णता, यानी ठोसों में जो दोष होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, ठोसों में दोष कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है इसको बात को हम समझते हैं, ठीक है। तो आज देखते हैं, और आज तो मैं पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आपको इस तरीके से कॉपी पर लेके चलूंगा वहां पर, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले ठोसों में जो अपूर्णता होती है इसको समझते हैं। तो मतलब क्या है, जो आपका ऐसा समझिएगा जो अवयवी कण है, अवयवी कणों में अनिश्चितता बोले तो एक विचलन उत्पन्न होना ही ठोसों में क्या कहलाती है, दोष कहलाता है, ठीक है। ठोस यानी कि क्रिस्टल, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों में अनिश्चितता आना ही, क्योंकि वो क्या होते हैं, निश्चित व्यवस्था में होते हैं, निश्चित ज्यामिति में उपस्थित होते हैं, लेकिन किसी कारणों से उनमें अनिश्चितता आ जाए तो उसी को हम क्या कहेंगे, ठोसों में दोष उत्पन्न हो गया, अर्थात उसमें क्या होगी, विचलन उत्पन्न हो गया, अर्थात उसमें एक अपूर्णता आ गई, यानी कि उनकी पूर्ण क्रिस्टलीय संरचना में कुछ अभाव उत्पन्न हो जाना, अर्थात कोई विचलन उत्पन्न हो जाना, यानी कि कोई उसमें छोटा सा दोष उत्पन्न हो जाना, ठीक है। तो ये ठोसों में जो अपूर्णता है वो दो भागों में बांटी हुई है, एक इलेक्ट्रॉनिक दोष, एक परमाणवीय दोष, क्लियर है। अब ये जो परमाणवीय दोष को हम फिर दो भागों में बांटते हैं, एक बिंदु दोष और जालक दोष, ठीक है। अब बिंदु दोष को फिर तीन भागों में बांटा गया है, एक क्या है, स्टोसियोमेट्रिक दोष और एक एस्टोसियोमेट्रिक दोष और एक आपका अशुद्धि दोष, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो ये है स्टोसियोमेट्रिक दोष, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका ये नहीं पूछेगा, कभी तो इन दोनों में अंतर पूछ लेता है, लेकिन ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही है क्योंकि ये सवाल में हर बार लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आपका आता ही आता है, या तो एक टिक मार्क बनेगा इनसे क्वेश्चन, या डायरेक्ट इनके अंतर पूछ लेगा, या इनकी एक परिभाषा उदाहरण पूछ लेगा, ठीक है। इस तरीके से आता है। और एसिस्टोमेट्रिक दोष भी फिर दो प्रकार के होते हैं, धातु आधिक्य दोष, एक धातु लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, धातु नहीं धातु, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना, धातु या आयन अभाव, यानी कि आधिक्य यानी अधिकता के कारण, ये न्यूनता यानी कमी के कारण दोष उत्पन्न होना। तो ये फिर दो भागों से, एक रिक्तियों के कारण और धनायनों के कारण, रिक्तियों के कारण और अंतराकाशी ऋणायनों के कारण। तो इस तरीके से आपको ये जो चार्ट है इसका स्क्रीनशॉट लेना। अब मैं आपको कॉपी पर लेके चलता हूँ, एक एक करके फिर सभी को मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और उससे पहले कि आपको वीडियो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में नोट्स देंगे, आपको बिल्कुल पूरा चैप्टर कराएंगे, ठीक है। इसकी भी पीडीएफ मिलेगी आपको, टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ पीडीएफ की आपको आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। तो देखो करते हैं, अब सबसे पहले हम ठोसों में अपूर्णता की जो परिभाषा है वो कर लेते हैं। क्या है, किसी क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था, यानी कि जो क्रमागत व्यवस्था होती है, एक निश्चित व्यवस्था जो होती है उसमें विचलन यानी कि अनिश्चितता ही क्रिस्टल की अपूर्णता है या दोष कहलाता है। इसका मतलब ये ब्रैकेट में लिखा है, एक यूज करना है आपको, या तो कह दो ठोस की अपूर्णता कहलाता है, या ठोस की क्रिस्टल की अपूर्णता कहलाता है, या ठोस का दोष कहलाता है, या फिर क्रिस्टल का दोष कहलाता है, ठीक है, क्लियर है। मैं इसका मतलब ये, इनमें से कोई भी एक यूज करना होता है, ठीक है। अब ये ठोसों में अपूर्णता कितने प्रकार की बताइए, दो प्रकार की होती है, कौन से, एक इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता और एक परमाणवीय दोष, ठीक है ना, परमाणवीय अपूर्णता, ठीक है। दोनों को देखिएगा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक दोष कैसा होता है, जो ठोसों में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों तथा छिद्रों या छिद्र यानी कि होल्स, इंटर में जाके अभी तुम पढ़ोगे फिजिक्स में, इनको क्वार्टर भी बोलते हैं, क्या इनको बोलते हो आप, क्वार्टर, क्या, क्वार्टर, ठीक है, से उत्पन्न दोष को हम इलेक्ट्रॉनिक दोष या अपूर्णता कहते हैं, क्लियर है बात। जैसे ये जो एग्जांपल है सिलिकॉन में, जर्मेनियम, यानी कि ये अर्धचालकों में उत्पन्न होते हैं, किसमें होते हैं, अर्धचालकों में, अर्धचालकों में उत्पन्न होते हैं ये दोष, किसमें, अर्धचालकों में उत्पन्न होता है, अर्धचालकों में होता है, क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, अब अगला जो आपका परमाणवीय दोष देखिएगा, परमाणवीय दोष क्या होता है, कि ठोसों में उसके अवयवी कणों की व्यवस्था में, यानी कि ये ध्यान रखना वो किसके, इलेक्ट्रॉनों के कारण था, और ये किसके कारण है, अवयवी कण, ठीक है, क्लियर है, अवयवी कणों की, ये डार्क लाइन कर दिए मैंने, इसको ध्यान रखना,
अवयवी कणों की व्यवस्था में अनिश्चितता के कारण, यानी अवयवी कणों की व्यवस्था में विचलन के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, आपका परमाणुवीय दोष कहते हैं, यानी कि जो परमाणुओं के कारण उत्पन्न होगा। अवयवी कण क्या होते हैं, आपके अणु परमाणु आयन होते हैं, तो उनके कारण उत्पन्न होता है ये दोष। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया है, बिंदु दोष और जालक दोष। अब हमारा जो बिंदु दोष होता है ये क्या है, बिंदु का मतलब क्या है आप समझ रहे हो, बिंदु होते थे जालक, यानी कि जो अणु परमाणु या आयन को हम उनका चित्र बनाते समय बिंदु से प्रदर्शित करते हैं, उसी को हम जालक बिंदु या बिंदु कहते थे। ठीक है, तो वो चीज़ है, देखिएगा बिंदु दोष कितना अच्छा लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, आपको उसकी पीडीएफ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। ठीक है, बिंदु दोष क्या है, किसी क्रिस्टलीय ठोस के परमाणु, परमाणु का मतलब बिंदु और बिंदु का मतलब परमाणु, समझ में आ गई, परमाणु अणु या आयन, उन सभी को हम क्या कहते थे, बिंदु से प्रदर्शित करते थे, जैसे कि हमने पहले परिभाषा ही बता दी थी। ठीक है, जैसे कि आपने हम किसी भी क्रिस्टल की हम क्या बनाएं, संरचना बनाएं इस तरीके से, तो इसके कोनों पर जो परमाणु रखेंगे, हमारी इसमें चार परमाणु हैं, तो चारों परमाणुओं को हम चित्र बनाते समय इन बिंदुओं से दिखाते हैं, इसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, इसका अणु, अणु हो सकता है ये, या परमाणु हो सकता है, या ये आयन हो सकता है, तो इनको हम किससे, बिंदु से प्रदर्शित करते हैं, या इसी को हम क्या बिंदु भी बोलते हैं, या जालक बिंदु कह दीजिए, ये जालक बिंदु बोल दीजिए, या केवल बिंदु भी हम इसको कह सकते हैं। क्लियर है बात। अब देखिएगा आगे कि ये बिंदु दोष क्या होता है, किसी क्रिस्टल ठोस में, क्रिस्टलीय ठोस में, ठोस के बिंदु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता या विचलन या अनिश्चितता को ही हम क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहलाता है, बिंदु दोष कहते हैं। क्लियर है बात। यानी कि जैसे कि ये आपका बिंदु है और बिंदु के चारों ओर की ये जो व्यवस्था है, ये बिंदु है तो इसके चारों ओर की जो व्यवस्था होगी उसमें अनिश्चितता आ जाए, अर्थात उसमें क्या आ जाए, अनियमितता आ जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। या आपका क्या है, देख लीजिए, किसी ठोस के परमाणु या बिंदु के चारों ओर अनियमितता को अनिश्चितता बोल दीजिए, या अनियमितता को हम बिंदु दोष कहते हैं। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं क्या, अनिश्चितता, अनिश्चितता, या आप बोल दीजिए अनियमितता को ही हम क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। नोट करके ये ध्यान रखना, बिंदु दोष ठोसों में परमाणुओं के लुप्त होने के कारण या परमाणु की व्यवस्था के कारण, ठीक है, क्या है, देखो ध्यान रख लेना, ये देखिए, लुप्त होने के कारण, परमाणुओं के लुप्त होने के कारण उत्पन्न होगा, या आपका ये परमाणु की अव्यवस्था के कारण होगा, या आपका परमाणु की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है, अधिक उपस्थिति के कारण। ठीक है, तीन कारण बन सकते हैं इनके, तो ये आपका उसमें पूछ लिया, टिक मार्क में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पूरा अच्छी तरह से याद कर लेना है। बिंदु दोष कितने तीन प्रकार का होता है, एक अब आता है स्टोसियोमेट्रिक दोष और एक एस्टोसियोमेट्रिक दोष। ये इंग्लिश में नाम है, इंग्लिश से ही आता है, हिंदी में आता ही नहीं है कभी। ठीक है, और आपका अशुद्धि दोष, तो हम पहले क्या पढ़ते हैं, एक पहले वाले को कंप्लीट करते हैं। पहला क्या है आपका, स्टोसियोमेट्रिक दोष, जिन दोषों के कारण क्रिस्टल की स्टोसियोमेट्री, यानी स्टोसियोमेट्री क्या होती है, यानी कि कोई भी क्रिस्टल में धनायन होंगे, क्रिस्टल में जैसे NaCl है, तो NaCl में क्या चीज़ है, Na पॉजिटिव पाया जाएगा, Cl नेगेटिव पाया जाएगा, तो यानी कि धनायन और ऋणायन, ऋणायनों का जो अनुपात होगा, ऋणायनों की संख्या का जो अनुपात होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोसियोमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, जिन दोषों के कारण क्रिस्टल की स्टोसियोमेट्री, अर्थात स्टोसियोमेट्री बोल दीजिए या मीट्रिक बोल दीजिए या मेट्रिक बोल दीजिए, यानी ये क्रिस्टल में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि इसकी स्टोसियोमेट्रिक में कोई परिवर्तन ना हो, तो उन दोषों को हम स्टोसियोमेट्रिक दोष कहते हैं, और जिनमें ये परिवर्तन हो जाए, अर्थात धनायनों और ऋणायनों का अनुपात निश्चित ना रहे, या धनायनों या ऋणायनों के अनुपात में अंतर आ जाए या परिवर्तन हो जाए, उसको हम स्टोसियोमेट्रिक दोष कहते हैं। क्लियर होगी ना बात। अब देखिएगा, इसे हम ऊष्मागतिक दोष भी कहते हैं। ये कितने प्रकार का था, ये देखिएगा दो प्रकार का था आपका, देखिएगा ये लिखा हुआ है क्या है, एक रिक्तिका दोष, जब किसी जालक क्रिस्टल में
जालक बिंदु लुप्त हो जाता है अर्थात अवयवी कण अपने निर्धारित स्थान से बाहर निकल जाए तो उससे उत्पन्न दोष को हम रिक्तिका दोष कहते हैं। यानी कि ये देखिएगा, जैसे कि आपका ये यहाँ पर कोई क्रिस्टल है, ये इसमें परमाणु हैं, ठीक है, ऐसे, और इनमें से कोई भी एक क्या हो जाए, नष्ट वो हो जाए, यानी कि आपका क्या लुप्त तो हो जाए, यानी कि ये चीज़ तो बच रही है, ठीक है, ये भी बच रही है, इसमें से ये यहाँ पर खाली हो गया, यानी कि ये लुप्त तो हो गया, यानी रिक्त स्थान बन गया यहाँ पर, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, रिक्त का दोष कहते हैं, क्योंकि यहाँ से ये उत्पन्न यानी लुप्त तो हो गया, यानी नष्ट हो गया, यानी उड़ गया, यानी कि यहाँ से गायब हो गया, ठीक है, मिस्टर इंडिया हो गया, ठीक है। तो इस दोष से पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है और यह दोष पदार्थों को गर्म करने पर भी उत्पन्न होता है, अर्थात यह दोष गर्म करने पर बढ़ता है, ठीक है। अब अंतराकाशी दोष पढ़ लीजिए। अंतराकाशी का मतलब क्या है कि अंतराकाशी दोष, क्रिस्टल की संरचना में अवयवी कण अंतराकाशी स्थान में आ जाते हैं तो उससे उत्पन्न दोष को हम अंतराकाशी दोष कहते हैं। अंतराकाशी समझ रहे हो, मतलब ये कि ये कोई क्या है आपका क्रिस्टल है, उसमें अणु इस तरीके से हैं, ठीक है, ये इस तरीके से उसमें क्या है अणु हैं, क्लियर है, बात नहीं है, इसको डार्क कर देना और कैसे भी लिख देना, ठीक है। और इसमें ये अणु हैं का ये अपनी निश्चित पोजीशन पर है, तो देखिए ये जो ये इस तरीके से ये है ना, ये ऐसे बना दिया हमने, तो ये जो स्थान होगा इसको अंतराकाशी बोलते हैं, किसको, ये जो स्थान है इसको अंतराकाशी बोलते हैं। तो कोई भी अणु अपना यहाँ पर आ जाए, ठीक है, कहीं से यहाँ पर आ जाए, अर्थात इनमें अंतराकाशी, इसको क्या बोलते हैं, अंतराकाशी क्षेत्र कहते हैं, इसको अंतराकाशी कहते हैं, अंतराकाशी स्थान कहते हैं। यदि इसमें कोई परमाणु आ जाए तो इससे उत्पन्न दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं, अर्थात उसमें किस में उत्पन्न आ जाएगा, देखो जरा ये क्या अंतराकाशी क्षेत्र होता है, ये अंतराकाशी होता है, इसमें ये परमाणु आ गया आपका, इसीलिए ये क्या है आपका अंतराकाशी दोष हो रहा है यहाँ पर, क्लियर है। आगे देखिएगा, आगे इसके थोड़े से इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लीजिए। इस दोष से पदार्थ का घनत्व बढ़ता है, यह दोष गर्म करने पर भी उत्पन्न होता है, यानी यह भी गर्म करने पर उत्पन्न होता है। एक विशेष के ये ऊपर के दोनों दोष नॉन आयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं, अर्थात ये आयनिक यौगिकों में नहीं पाए जाते हैं ये दोनों दोष, यानी कौन कौन से दोष, ये जो अभी करे हैं हमने, कौन कौन से करे थे अभी, अंतराकाशी और आपका रिक्त का दोष, ठीक है। आप गुरुमंत इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर